में सबकी फेवरेट क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अभी हाल ही में अपनी कुछ पुरानी बातें याद करते हुए सभी के साथ शेयर की, और उस दौरान आलिया ने तो अपने स्कूल के दिनों की कुछ बातें भी बताई, जिसमें छिपा है एक काफी अच्छा किस्सा। वैसे पहले आपको ये बता दें कि आलिया चिल्ड्रंस डे के मौके पर रखे गए एक खास कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी ये बात शेयर की। दरअसल कुछ हुआ ऐसा था कि आलिया चिल्ड्रंस डे पर हो रहे एक कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने बातों बातों में ये बताया कि उनको स्कूल में पूरे एक हफ्ते तक के लिए डेस्क साफ करने की सजा दी गई थी, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में वो कर दिया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसे करना नहीं चाहिए, बट मैं स्कूल जाती थी पर मैं सो जाती थी जाके बाथरूम में। तो एक दिन टीचर ने मुझे पकड़ लिया बाथरूम में सोते हुए। टीचर भी वहाँ सोने गई थी? नहीं, अच्छा, चेक करने गई थी कि एक लड़की मिसिंग है, क्यों मिसिंग है। तो एक हफ्ते के लिए मुझे डेस्क साफ करना पड़ा। वेरी बैड थिंग टू डू, प्लीज मत करना, कभी क्लास में मत सोना, घर पे सोना। इनसे जुड़े किस्से जानकर तो इनके फैंस हमेशा ही दंग रह जाते होंगे। पंद्रह साल पहले ही बॉलीवुड ने एक ऐसा धमाका किया था कि जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास की। आज के ही दिन ये फिल्म रिलीज हुई, और इसे आज ही रिलीज हुए पूरे 15 साल हो गए हैं। इस फिल्म की एक एक चीज इतनी शानदार थी कि आज की बेस्ट बॉलीवुड फिल्मों में इसका नाम शुमार है। इसी फिल्म से लोगों की नजरों में ऐश्वर्या राय, साथ ही कई सालों तक पारो की इमेज में ही छाई रही, और साथ ही शाहरुख देवदास की इमेज में। तो वहीं माधुरी का चंद्रमुखी का रोल और जैकी श्रॉफ का चुन्नी लाल वाला अवतार पहले किसी और को दिया गया था। जी हाँ, आज शायद ही इसे कोई टक्कर दे पाए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आपने इस फिल्म में जिस भी सुपरस्टार को देखा वो इसके लिए तो पहली पसंद बिल्कुल नहीं थे। इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि फिल्म देवदास में शाहरुख खान के रोल में सलमान दिखने वाले थे, लेकिन फिर संजय लीला भंसाली पहले ही फिल्म की कास्ट को फाइनल कर चुके थे। चुन्नी लाल के ही किरदार के लिए जैकी श्रॉफ से पहले गोविंदा, सैफ अली खान और साथ ही मनोज बाजपेयी को अप्रोच किया गया था, लेकिन ये रोल सबने रिजेक्ट कर दिया। मणिकर्णिका से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। इन तस्वीरों में आप कंगना रनौत को पहली बार झांसी की रानी के किरदार में देख सकते हैं। इन तस्वीरों को जयपुर में शूटिंग सेट पर क्लिक किया गया है। कंगना को आप इन तस्वीरों में तलवार उठाए और सच्ची महारानी की तरह देख सकते हैं। उनका ये सफेद और गोल्डन लुक वाकई हैरान कर देने वाला है। उन्होंने सिर पर सफेद रंग का साफा पहना है और शानदार ज्वेलरी भी। फिल्म की शूटिंग इन दिनों जयपुर के आमेर किले में चल रही है। ये पहली बार है जब फिल्म से उनका रानी लक्ष्मीबाई का किरदार सामने आया है। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसे रानी लक्ष्मीबाई की कहानी के आधार पर बनाया जा रहा है। लेखक विजेंद्र प्रसाद ने हाल ही में ये खुलासा किया था कि फिल्म की सबसे ज्यादा खास बात होगी इसमें दिखाए गए युद्ध और मारधाड़ वाले सीन। मालूम हो कि इससे पहले विजेंद्र बाहुबली और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के लिए कहानी लिख चुके हैं, और इसलिए दर्शकों को इस फिल्म से भी खासी उम्मीदें हैं। फिल्म में कंगना रनौत के अलावा एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी नजर आएंगी, जो कि फिल्म में झलकारी बाई की भूमिका निभाएंगी। झलकारी बाई वो योद्धा थी जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बॉडी डबल के तौर पर ब्रिटिश सेना से जंग लड़ी थी। गौरतलब है कि कंगना रनौत की पीरियड फिल्म मणिकर्णिका का जब से ऐलान हुआ है, कंगना के फैंस को उनके लुक का बेसब्री से इंतजार था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।